विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट मंगला प्रसाद के नेतृत्व में बैठक हुई संपन्न। जी हां, प्रेस वार्ता के दौरान जिलाधिकारी ने आदर्श आचार संहिता व निर्वाचन से संबंधित सभी कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। देखें ये रिपोर्ट। देखिए, 8 तारीख से आदर्श आचार संहिता घोषणा हो गई है। अब तक जिन पार्टियों ने इसका वायलेशन किया है उसमें 5 मुकदमे कायम किए गए हैं, 2 मुकदमे गुड़गुड़ा में किए गए हैं, 1 करंडा में किया गया है, 1 कोतवाली शहर में किया गया और 1 जमानिया में किया गया है। इसके अलावा जो भी अब मिलेगा सबको सूचित भी कर दिया गया है, तो उस पर पूरी कार्रवाई होगी, क्योंकि जो चुनाव हैं वो स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त होने हैं। रही बात गैंगस्टर की, तो गैंगस्टर के मुलजिम जेल में हैं और जो बाहर हैं उनमें गुंडा की कार्रवाई की जा रही है। अब तक 36,660 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट भेजी गई है बाउंड डाउन कराने के लिए, जिसमें 8,415 लोग जो है बाउंड डाउन करा दिए गए हैं। और जो भी हमारे यहाँ क्रिटिकल और वल्नरेबल क्षेत्र हैं उनका एरिया डोमिनेशन शुरू हो गया है। ज़िले में 4 कंपनियाँ आ गई हैं, 3 ITBP की और 1 BSF की कंपनी आ गई है। और ये एक कंपनी सैदपुर में स्टेशन कर रही है, 1 शहर में कर रही है, 1 मोहम्मदाबाद में और 1 जमनिया में BSF की है। तो इस तरह से एरिया डोमिनेशन का भी काम चल रहा है, ताकि जो अराजक तत्व हैं जो चुनाव में गड़बड़ी पैदा करने की सोच रहे हैं उनके मन में ये भय पैदा हो और उन्हें संदेश चला जाए कि चुनाव में किसी तरह की गड़बड़ी करने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ जो लोग डर रहे हैं उनके मन में विश्वास पैदा करना है कि खुलकर चुनाव में हिस्सा लें, ज़्यादा से ज़्यादा, या तो मैं कहूँगा कि सभी लोग अपना वोट डालें जिससे वोट का परसेंटेज भी बढ़े और ये जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है ये सफल हो सके। सर, 7 विधानसभा में जिस विधानसभा में सबसे ज़्यादा क्रिटिकल बूथ है, अभी हमारे जो आए हैं वो मोहम्मदाबाद और जमनिया में आए हैं, सबसे ज़्यादा जो क्रिटिकल बूथ है। सर, अगर बात की जाए पूरा विधानसभा चुनाव की, तो कुल मिला के हमारे यूपी गाजीपुर गए बिहार बार दादू पार रहते बहुत सारे बार रहे, तो बारों पे लेकर किस तरह की निगरानी की जा रही है, किस तरह की चौकसी करती है? देखिए, बॉर्डर पर तो मैंने स्वयं एक जो एंट्री पॉइंट है उसको घूम करके देख लिया है, उसकी हमने पूरी स्ट्रेटजी बना ली है, चाहे वो नाव के द्वारा आना हो, पुल के द्वारा आना हो या जो भी रास्ते हैं उनको सब हम पूरा सील कर देंगे जिससे किसी तरह का कोई आवागमन ना हो। क्योंकि हमारा बिहार बॉर्डर है, बिहार ड्राई एरिया है, तो सबसे ज़्यादा शराब को लेकर के है इसमें, तो इस पर भी हमारी विशेष निगरानी है कि किसी तरह से इस तरह की कोई घटना ना हो जिससे ये इलेक्शन प्रभावित हो। कितने पॉइंट्स बनाए हैं सर? पूरे हमने अपने पूरे जनपद को 32 जो हमारे बॉर्डर पॉइंट हैं उनमें हम पूरा उसको सील करेंगे। सर, ऐसे में देखा जाए कि आधार प्रकार से हिस्सा लग गया है, अभी भी प्रधानमंत्री के मुख्यमंत्री के मौसम लगे, उनको मैंने निर्देश दे दिया है कि उनको हटवा दें। सर, 7 मार्च को वोटिंग होनी है गाजीपुर, नामांकन कब होगा, क्या प्रक्रिया है? सर, जनपद गाजीपुर में 10 फरवरी को नोटिफिकेशन होगा और 10 फरवरी से 17 फरवरी तक नामांकन होंगे, 18 फरवरी को स्क्रूटनी होगी, 21 तक विड्रॉल हो सकेगा और 7 मार्च को इलेक्शन तिथि निर्धारित है। सर, ऐसे में अगर हम बात करें चुनाव को लेकर तैयारियां की, तो किस तरह की तैयारियां की गई हैं अभी तक? सर, बहुत सारे और क्रिटिकल इस तरह के बूथ हैं, संख्या क्या होगी और सर किस तरह की तैयारियां हैं? जनपद गाजीपुर में विधानसभा सामान्य निर्वाचन सकुशल, निष्पक्ष, शुद्ध रहित ढंग से संपन्न हो सके, इसके लिए हमारी टीम, पूरा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन कटिबद्ध है। हमारी तैयारियां बहुत तीव्र गति से चल रही हैं। भारत निर्वाचन आयोग की जो गाइडलाइंस है, जो दिशा निर्देश है, उसके तहत हम और हमारी पूरी टीमें लगातार मेहनत कर रही हैं, लगातार प्रयास कर रही हैं। हम लोगों के भी टच में हैं, पूरे जनपद के कोने कोने से हमारे पास सूचनाएं आ रही हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम और हमारी टीमें इस चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्वक संपन्न कराने में सफल हो सकें। इसके लिए हम कोई कोताही नहीं बरतेंगे, ना हम गलत करेंगे, ना हम किसी को गलत करने देंगे। मतदान केंद्रों पर, मतदेय स्थलों पर चुनाव के दौरान
पोल डे पर चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्वक संपन्न हो सके, इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग की जो गाइडलाइंस है वल्नरेबिलिटी मैपिंग की, क्रिटिकलिटी की, वो हम लोगों ने पूरा कर लिया है। हमारे यहाँ अब तक 139 ऐसे वल्नरेबल हेलमेट और मोहल्ले हम लोगों ने चिन्हित किए हैं, जिस पर हमें विशेष ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। अभी तक 449 ऐसे वल्नरेबल व्यक्ति चिन्हित किए गए हैं, जिनके खिलाफ हम लोग कार्रवाइयाँ सुनिश्चित करेंगे और कार्रवाइयाँ प्रारंभ हो भी गई हैं, कुछ के खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई भी हैं, वो चाहे गुंडा एक्ट की हो, चाहे गैंगस्टर एक्ट की हो, या आर्म्स एक्ट के तहत हो, या सीआरपीसी की धाराओं के तहत। ये कार्रवाई हम लगातार कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जनपद में 253 सेक्टर मजिस्ट्रेट्स, 7 विधानसभाओं में और 25 जोनल मजिस्ट्रेट्स भी तैनात किए जाएंगे। जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ साथ जोनल पुलिस ऑफिसर और सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स की भी तैनाती होगी। जनपद में किसी भी स्थिति में हम लोग तैयार रहेंगे और चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्वक ही संपन्न होगा। सर, अगर हम मतदाताओं की बात करें तो हर साल की मतलब हर चुनाव के अपेक्षा इस बार क्या मतदान स्थिति रहेगी और कितने सर मतदाता बढ़े हैं और संख्या क्या है? क्योंकि इस बार पिछले चुनाव की अपेक्षा अभी जो SSR हुआ, समरी रिवीजन हुआ है, दूसरा समरी रिवीजन हुआ, उसमें हमारे जनपद में वास्तविक रूप में कुल 188,000 मतदाता बढ़े हैं, जिसमें महिलाओं की संख्या अधिक हो गई है। पिछले 3 चुनाव का अगर हम एनालिसिस करें, 2019, 2017, 2014, तो 2019 में इलेक्शन हुआ था लोकसभा का, उसमें 58% वोटिंग हुई थी। 2017 के इलेक्शन में 59% वोटिंग हुई थी और 2014 के इलेक्शन में 55% वोटिंग हुई। इसमें 7 विधानसभाओं में सबसे ज़्यादा सबसे कम वोटिंग हुई वो जवानिया में हुई। तो हमारा ये फोकस है इस बार, हम स्वीप की टीमें हमारी लगातार प्रयास कर रही हैं। अधिसूचना जारी होने के पहले हमने 4 ये वैन्स